आज की वीडियो में मैं कैसी यूनिक चीज की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये बॉक्स के अंदर है आरसी एनाकोंडा स्नेक, बहुत ज्यादा बड़े साइज का एनाकोंडा मैंने खरीदा है। आज देखते हैं गाइस ये जो एनाकोंडा है हमारे नाजा किंग कोबरा के सामने टिक पाएगा या फिर नहीं। एक और खतरनाक सी चीज मैंने खरीदी है, इसको बोलते हैं गाइस घोस्ट स्पाइडर। आज इसकी भी मैं फाइट कराऊंगा एनाकोंडा स्नेक के साथ। और भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, जैसे कि देख सकते हो ये है ब्लैक किंग कोबरा, ये एक रोबोटिक स्पाइडर है, टेरेंटुला स्पाइडर है, एक आरसी स्कॉर्पियन भी है। तो चलो गाइस फटाफट से ये एनाकोंडा को करते हैं अनबॉक्स और कराते हैं इसकी फाइट, देखते हैं ये जो एनाकोंडा है कितना पावरफुल है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये डेंजरस से दिखाई देने वाले एनाकोंडा स्नेक को ही अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। गाइज आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक करो, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। यार आप लोग मेरी वीडियो तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, यार जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है, ये देखो गाइज यहाँ पे अपना सबसे ज्यादा डेंजरस दिखाई देने वाला एनाकोंडा स्नेक। ओ माई गॉड, ये इतना ज्यादा बड़ा होगा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था यार। ये दो अलग अलग पार्ट्स में है ऐसा मेरे को लग रहा है। यहाँ पे इसका हेड वाला पार्ट है, यहाँ पे इसका टेल वाला पार्ट है, यहाँ पे एनाकोंडा स्नेक बोल के दिया गया है। 2.4 गीगाहर्ट्ज का रिमोट मिला है इसके साथ। तो बॉक्स की इस तरफ ये कलर में अवेलेबल है, ये कलर में अवेलेबल है। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको टेस्ट करने के लिए। देखते हैं गाइस ये अपने किंग कोबरा को आज हरा पाता है या नहीं, क्योंकि आज तक किंग कोबरा को रेस में किसी ने नहीं हराया है और ना तो टग ऑफ वॉर में किसी ने भी हराया है। बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है, ये है इसका रिमोट कंट्रोलर। इन लोगों ने एक चीज झूठ बोली है कि यार इसके साथ 2.4 गीगाहर्ट्ज का रिमोट मिला है। यहाँ पे देखो आईआर सेंसर दे रखे हैं यार, इसका मतलब ये है कि ये रिमोट की रेंज बहुत ज्यादा कम होने वाली है। अभी यहाँ से निकालते हैं हमारे एनाकोंडा को। ओ माय गॉड ये बड़ा ही डेंजरस है, अपनी जीप ऐसे लप लपा भी सकता है। ऊपर की तरफ बैटरी कंपार्टमेंट है। इसकी स्किन की बात करूं तो यार बहुत ज्यादा खुरदरी स्किन दी गई है, यहाँ पे बहुत सारे कट्स लगाए गए ताकि ये बहुत फ्लेक्सिबल और जिगजैग मोशन में चल सके। नीचे इसका कलर अलग है, ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा डिफरेंट कलर दिया गया है। ये है इसकी टेल, बहुत ज्यादा तगड़ी वाली दे रखी है। अब यहाँ पर दो व्हील्स, यहाँ पे दो व्हील्स, यहाँ पे दो व्हील्स दिए गए। तो ओवरऑल अभी इसको मैं जोड़ने वाला हूँ, जोड़ने के बाद देखते हैं गाइस ये एनाकोंडा स्नेक कितना ज्यादा बड़े साइज का होगा। देखते हैं, जस्ट यहाँ पर इसको पुश करना होता है और ये मैंने इसको लगा दिया है पूरी तरीके से। अब देखो यार ये कितना ज्यादा बड़ा है, मेरे टेबल से भी ज्यादा बड़ा अब ये लग रहा है। भाई आज तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इसको टेस्ट करने पर। इसकी एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बैटरी कंपार्टमेंट दिया गया, ये ऊपर का कवर मैंने हटा दिया है, यहाँ पे एक स्क्रू है। इसको अगर हम खोलेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को 4 AAA बैटरीज डालनी पड़ती है। मेरे पास जो किंग कोबरा है बाकी जो स्नेक्स है उसके अंदर हम लोग को रिचार्जेबल बैटरी मिलती है, पर इसके अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो अभी इन दोनों को अगर मैं साइड बाय साइड रखूंगा तो गाइस देखो इसके सामने किंग कोबरा कुछ भी नजर नहीं आ रहा यार, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोटा भी है और इसका साइज तो आप देख सकते हो यार, इसकी लेंथ कितनी ज्यादा दी गई है। एनाकोंडा के साथ साथ मैंने एक और कमाल की चीज खरीदी थी, वो है घोस्ट स्पाइडर। अगर हम लोग इसको नाइट में चलाते हैं तो यार ये बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी गाइस। इसको 1500 रुपीज में खरीदा था, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, घोस्ट स्पाइडर का भी और एनाकोंडा स्नेक का भी। इसको यहां से मैं ओपन कर लेता हूं। ये है हमारी घोस्ट स्पाइडर, बड़ी डेंजरस मेरे को लग रही है। और इसके ये जो लेग्स हैं यार रबर के बने हुए, यहाँ पर इसके टीथ है, यहाँ पे आईज है, ऊपर की तरफ आईआर सेंसर दिया गया है, यहाँ पे भी एक आईआर सेंसर इसके अंदर दिया गया है। इसके जो आईज है यार ये पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहे हैं। नीचे यहाँ पे दो व्हील्स है, यहाँ पे बैटरी सेक्शन है, सामने की तरफ एक छोटा सा सपोर्टिंग व्हील भी इसके अंदर दिया गया है। तो इसके अंदर हम लोगों को LR44 की बैटरीज डालनी पड़ती है, वो बैटरीज भी मेरे को इसके साथ मिली थी। यहाँ पर बहुत सारे बटन्स मिल जाते हैं स्पाइडर को चलाने के लिए, ऊपर की तरफ आईआर सेंसर दिया गया है, रिमोट भी ब्लैक कलर में है और स्पाइडर भी ब्लैक कलर में। इसके साथ भाई बहुत ही तगड़े वाले प्रैंक्स कर सकते हैं। ये मेरे पास एक और टेरेंटुला स्पाइडर भी है, इसको शायद मैंने 1200 रुपीज में खरीदा था। इसको भी यहाँ से मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये स्पाइडर की खास चीज ये है कि ये दीवारों पे भी चढ़ सकती है और इसकी ये जो स्किन है ना बहुत ही अलग है। मेरे को लग रहा है कि इसको बनाने के लिए वेलवेट का क्लॉथ यूज किया गया है। इसके लेग्स के अंदर स्प्रिंग दिया गया है, इस वजह से ये भी ऐसे हिलने लगते हैं। ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर, इसके साथ भी आईआर सेंसर वाला रिमोट मिलता है। तो ये सभी चीजों को मैंने यहाँ पे रख दिया है। आज ये एनाकोंडा के साथ स्कॉर्पियन की भी फाइट होगी और ये लिजर्ड की भी फाइट होगी। चलो दोस्तों अभी चलते हैं बाहर, कराते हैं इनके बीच में फाइट, देखेंगे आज कौन जीतता है। लेट्स गो एंड फाइट।
तो गाइस आज इन सबको रफ सरफेस पर मैं टेस्ट करने वाला हूँ। ये मेरा टेरेस है। चलो सबसे पहले मैं आरसी एनाकोंडा को ही चला के बता देता हूँ। इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स दिए गए हैं, इस वजह से जब ये चलता है तो यार बिल्कुल एक रियल स्नेक जैसा ही दिखाई देता है। ये रियल स्नेक्स भी बिल्कुल जिगजैग मोशन में ऐसे रेंगते हुए चलते हैं। ये हमारा आरसी एनाकोंडा भी बिल्कुल वैसे ही चलने लगता है। जहां तक इसकी कलर की बात करूं, ये बहुत ज्यादा डार्क दिखाई देता है यार, क्योंकि इसके ऊपर कलर बहुत ही यूनिक किया गया है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा आई कैचिंग भी नजर आता है। अब घोस्ट स्पाइडर को टेस्ट करके देखते हैं। वाह यार, ये तो बहुत ज्यादा क्विक और बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव है। जब ये चलती है तो ऐसा लगता है कि ये अपने पैरों की हेल्प से ही चल रही है, पर इसके पैर रबर के होने के कारण वाइब्रेट करने लगते हैं, इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। अब आरसी स्कॉर्पियन को टेस्ट करके देखते हैं। ये जब चलता है तो ये भी ऐसा लगता है कि गाइस अपने पैरों पे ही चल रहा है, पर इसके अंदर एक अजीब सी आवाज आती है क्योंकि इसको ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनाया गया है। अब ये टेरेंटुला स्पाइडर को टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे इसको चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि सरफेस थोड़ा सा हार्ड है। बाकी इसको अभी थोड़ा सा मैं एक दीवार पे चिपका के भी आपको चला के बता देता हूँ। ये एक बहुत बड़ी दीवार है यार, यहाँ पे मैंने इसको चिपका दिया है। बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। नीचे लेके आते हैं। यहाँ पे आते आते गाइस ये धड़ाम से नीचे गिर चुका है। इसके अंदर उतनी ज्यादा पावर नहीं है कि ये थोड़ा सा हार्ड सरफेस पर चल सके। गाइस अब ये सबसे ज्यादा खतरनाक दिखाई देने वाली रोबोटिक स्पाइडर को टेस्ट करके देखते हैं। सामने एक स्प्रेयर सिस्टम भी इसके अंदर दिया गया है। ऐसा लगता है कि ये कोई जहरीली गैस यहाँ से फेंक रही है। बाकी इसकी कंट्रोलिंग आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा क्विक, बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव है। इसका रिमोट मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। अब ये रोबोटिक लिजर्ड को टेस्ट करके देखते हैं। ये भी बहुत ज्यादा डेंजरस दिखाई देती है, पर इसके अंदर एक दिक्कत मेरे को लगती है। ये फॉरवर्ड चल सकती है, रिवर्स चल सकती है, बाकी आप इसको लेफ्ट राइट टर्न नहीं करा सकते। अब ये ब्लैक किंग कोबरा को टेस्ट करके देखते हैं। इसके अंदर मेरे को थोड़ी सी दिक्कत यार, आईआर सेंसर होने के कारण इसके ऊपर पॉइंट करके चलाना पड़ता है। ये भी बिल्कुल एक रियल स्नेक जैसा ही चलता है जिगजैग फॉर्मेट में। कि गाइस अब इन दोनों के बीच में कराते हैं रेस, देखते हैं दोनों में से कौन सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से चल सकता है। दोनों के बीच में एकदम बराबर वाली रेस लग रही है गाइस, पर एनाकोंडा धीरे धीरे से आगे बढ़ने लगा है। इसकी स्पीड धीरे धीरे से बढ़ने लगती है और ये काफी ज्यादा आगे निकल गया है। यहाँ पे किंग कोबरा पूरी कोशिश कर रहा है इसके बराबर में आकर इसको ओवरटेक करके आगे जाने के लिए, पर एनाकोंडा स्नेक इससे भी ज्यादा फास्ट निकला है। किंग कोबरा को इसने रेस में बहुत ज्यादा आसानी से हरा के रख दिया है। एनाकोंडा स्नेक की रेस कराते हैं रोबोटिक स्पाइडर के साथ, देखते हैं जिन दोनों में से कौन जीता है। रोबोटिक स्पाइडर आगे जाने की पूरी कोशिश कर रही है, पर एनाकोंडा स्नेक इससे भी ज्यादा फास्ट मेरे को लग रहा है। ये रोबोटिक स्पाइडर के अंदर बहुत ज्यादा लेग्स होने के कारण ये फटाफट से आगे जा रही थी, पर एनाकोंडा स्नेक ने इसको भी पीछे छोड़ दिया है और क्लियरली रेस को जीत चुका है। अब देखते हैं क्या ये एनाकोंडा स्नेक लिजर्ड को भी हरा पाता है या नहीं। भाई एनाकोंडा स्नेक तो बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। ये लिजर्ड जब चलती है तो यार बहुत ज्यादा फनी दिखाई देती है, पर एनाकोंडा स्नेक इससे भी ज्यादा फास्ट है यार। क्लियरली एनाकोंडा स्नेक यहाँ पे वापस से जीत चुका है रेस को। अब घोस्ट स्पाइडर और स्कॉर्पियन के बीच में रेस कराते हैं, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो घोस्ट स्पाइडर बहुत ज्यादा तेज है, पर मेरे को नहीं लगता ये एनाकोंडा से जीत पाएगी। ओके गाइस, नो डाउट एनाकोंडा स्नेक किंग कोबरा से बहुत फास्ट तरीके से चल रहा था। अब दोनों के बीच में आमने सामने वाली फाइट कराते हैं। यहाँ पे एनाकोंडा को डसने के लिए आ रहा था किंग कोबरा, पर एनाकोंडा ने डॉच करके इसको पकड़ रखा है बीच से और यहाँ पे इसको बिल्कुल भी काटने का चांस नहीं दे रहा है। ओ माय गॉड, ये एनाकोंडा तो बहुत ज्यादा डेंजरस निकला है। इसने तो भाई चुटकी बजाते ही किंग कोबरा को ढेर करके रख दिया है। क्लियरली आप देख सकते हो एनाकोंडा यहाँ पे बहुत आसानी से जीत चुका है। अब देखते हैं आरसी एनाकोंडा ये खतरनाक सी दिखाई देने वाली आरसी स्पाइडर को भी हरा पाता है यानी। ये आरसी स्पाइडर भाई बहुत ज्यादा ताकतवर है। देखो यार, इसने तो एनाकोंडा को अपने पैरों में जकड़ रखा है। इसके पैर बहुत ज्यादा नुकीली है। यहाँ पे एनाकोंडा पूरी तरीके से अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है जैसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये स्पाइडर बहुत ज्यादा जहरीली गैस छोड़ सकती है। क्लियरली यहाँ पे ये जहरीली स्पाइडर जीत चुकी है। भाई मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि इसने इतने ज्यादा तगड़े एनाकोंडा को ही हरा के रख दिया है पुशबैक में। अब रोबोटिक स्पाइडर की फाइट कराते हैं घोस्ट स्पाइडर के साथ, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। नो डाउट रोबोटिक स्पाइडर बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये बहुत ज्यादा जहरीली भी है। देखो इसने तो घोस्ट स्पाइडर की पूरी तरीके से जान निकाल के रख दी है। भाई यहाँ पे भी ये जीत चुकी है बहुत ज्यादा आसानी से। काम तमाम हो चुका है घोस्ट स्पाइडर का। अब रोबोटिक स्पाइडर की फाइट कराते हैं रोबोटिक लिजर्ड के साथ, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। ये रोबोटिक स्पाइडर को उठा के फेंकने की कोशिश कर रही थी, पर रोबोटिक स्पाइडर इससे भी ज्यादा तेज निकली। इसने इसको डॉच करके नीचे पटक के रख दिया है और इसके ऊपर अब ये जहरीली गैस फेंक रही है। यहाँ पे रोबोटिक लिजर्ड भी तड़प तड़प कर खत्म हो चुकी है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये सभी एनिमल्स में से कौन सी चीज अच्छी लगी। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है उत्कर्ष, अर्णव, शानू, देवकी, कौशिक, विपिन, यश, कुशल, मंजीत, यश वर्मा। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।